सा चौबे आपको ऐसी जगह लेके चले रहे हैं और ये ऐसी जगह पे आपको खड़ा किए हैं जहाँ की आम के बाग, आम इस समय आम के पेड़ों को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे बौर आ चुके हैं, उसमें छोटी छोटी अम्बिया भी बैठ रही हैं। आम जिसके जिसको कहते हैं फलों का राजा आम है, पूरे फलों का राजा आम। आम इतना मीठा होता है और खाने में लोग स्वादिष्ट भी करते हैं, मीठा भी लगते हैं, रोगों को भी जाता है। और आम फल के साथ साथ इसकी लकड़ियाँ जो हैं शुभ मानी गई, यहाँ तक इनकी पत्ती भी शुभ मानी गई है। हमारे यहाँ कोई भी कर्मकांड होता है तो आम की पत्ती, आम की लकड़ी जो है वो काम में आती है। और यहाँ आपको हम एक छोटा सा आम का पेड़ दिखाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल कलमी और दशहरी है। आप इसको देख सकते हैं कि कितने छोटे पेड़ से इसमें अम्बियाँ लग रही हैं, अब बोर आ चुका है। ये एकदम प्योर दशहरी आम कलम करके बनाया गया है जो कि बिल्कुल अभी छोटा सा पेड़ है, एक साल का भी पेड़ नहीं, लेकिन इसमें आपको बखूबी बौर जो है दिखाई पड़ रहा है। ये अब आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे से पेड़ में इतना बड़ा बौर है, और पेड़ बड़ा होगा तो कितना इसका और तना होगा तो और कितना बढ़िया इसका बौर होगा। और आम की पत्ती के बारे में, लकड़ी के बारे में, आम के फल के बारे में, यहाँ तक कि आम का जो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, उसको इसलिए कहा गया है कि आम कच्चे में भी खाओ, पका के भी खाओ, और क्या कहते हैं आप इसका पना भी डालो, पना बना के खाते हैं तो आपको गर्मी में कितनी गर्मी से गर्मी पड़े लेकिन लू नहीं असर करेगा। आम के साथ पुदीना हो और वो क्या कहते हैं काला नमक हो, ये सब तो एकदम बेजोड़ होता है। आम इसीलिए फलों का राजा आम कहते हैं। और इसकी गुठली के बारे में बता दें आपको, गुठलियों को तोड़ के जो है इसको बनाते हैं क्या औषधि, औषधि बनाते हैं इसको खाने से जो है, कभी वो क्या कहते हैं गर्मी में लोगों को उल्टी का दस्त होने लगती है, उससे भी इसकी गुठली बचाती है, इसीलिए इसको कहा गया, क्या कहा गया, आम के आम गुठलियों के दाम। ये रही भाई आपके आम के पेड़ की, आम की और आम के पत्तियों की, आम के फल की महत्ता, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हाँ, दो तीन महीने में इसका फल जो आप देख रहे हैं, और इसमें दो तीन महीने लग जाएंगे फल आने में, पकने में दो तीन महीने बाद मई जून तक इसमें आ जाता है आम। और ये खाने में इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा होता है कि क्या कहा जाए। आम, आम की तो बहार है, चल रही है। इस समय हमको लगता है मौसम अनुकूल होने के कारण करीब करीब आम बहुत तेजी से आमों में बहुत दिख रहा है। अगर मौसम ऐसे ही ठीक ठाक रहा तो आम की पैदावार भी अच्छी होगी और लोगों को बहुत लुभाएगा, ये मीठा एहसास कराएगा लोगों को और खिलाएगा भी। और देख सकते हैं कि अभी कुछ पेड़ों में आ भी रहे हैं आम के बौर, अभी निकल रहे हैं, कुछ निकल के तैयार हैं। जैसे आगे पीछे कोई लेट तकलीफ हो जाता है तभी आप देख रहे हैं, ये भी इसका पेड़ जो है बड़ा हो गया है। पेड़ बड़ा होने के नाते इसके भी अब आ रहे हैं डालियों में आम के बौर दिख रहे हैं, इसमें अम्बियाँ बैठेंगी, तीन महीने चार महीने लग जाएगा हमको आने में। इसके बाद ये बगल में आपके एक नींबू का पेड़ भी दिख रहा है, इसके भी इसी समय आते हैं बसंत ऋतु में, करीब करीब सभी फलों के मौसम हो जाते हैं, इसमें भी फूल उल लग सकता है। अभी अभी तो नहीं लगा है लेकिन एक दो महीने में इसमें भी फूल लगने वाला है। तो आपके साथ ये नींबू में भी पेड़, नींबू में फल लगेगा, फूल आएगा, एक समावेश है बागों का कि जिसमें हर तरीके से